नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। राजद के नेताओं के बीच जबरदस्त सन्नाटा छाया हुआ है। चारों ओर सन्नाटा के बीच अब रघुवंश बाबू नहीं रहे। रघुवंश बाबू के नहीं रहने के कारण क्या इस चुनावी साल में राष्ट्रीय जनता दल को अधिक नुकसान होगा? इस बात का कयास लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। राजद के कई नेताओं से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन लोगों ने बात करने से कतराना प्रारंभ कर दिया। कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और रघुवंश बाबू के अब नहीं रहने से क्या राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा क्षति होगी, या राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे गद्दावर नेता की कमी महसूस होगी, या राष्ट्रीय जनता दल में 32 साल से लालू साथ यादव के साथ रहने वाले रघुवंश बाबू के अब नहीं रहने से ज्यादा परेशानी होगी, या स्वर्ण जाति के मतदाताओं पर ज्यादा असर पड़ेगा? बहुत सारे प्रश्न अब निकल कर बाहर आ रहे हैं। रघुवंश बाबू दिल्ली में इलाजरत होने के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हुए, और उसी इलाज के दरमियान ही उन्होंने पत्र लिखा लालू प्रसाद यादव के नाम। शॉर्ट पत्र उन्होंने लिखा और दल को छोड़ने की बात कही। 32 साल का भी जिक्र किया गया। अब राजद के नेतागण बात भी नहीं करना चाहते। अब राष्ट्रीय जनता दल में रघुवंश बाबू अब नहीं रहे, इस बात का मलाल तो होना तय माना जा रहा है। चुनावी साल है, स्वर्ण जाति के वोट पर भी निगाह सरकार की बनी हुई है। ऐसे स्थिति में वोट को समेटे रखने के लिए गद्दावर नेताओं की आवश्यकता थी, लेकिन अब रघुवंश प्रसाद सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और लालू जी के साथ रहने वाले व्यक्ति, अब नहीं रहे राजद में। यानी अब वो राष्ट्रीय जनता दल को बाय बाय कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, और उन पर अब डोरा जदयू ने डालना प्रारंभ कर दिया है। आप क्या सोचते हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह के नहीं रहने से राजद में क्या क्षति होगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।